वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सप्रो का आयोजन सिगराई स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रहे। ये अपनी तरह का पहला कन्वेंशन है जो पैनल डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप और मास्टर क्लासेस के माध्यम से टेम्पल इकोसिस्टम्स के प्रबंधन, संचालन और क्रियान्वयन में सर्वोत्तम कार्यों को उजागर करेगा। उस कन्वेंशन में 25 देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के भक्ति संस्थान ने हिस्सा लिया। इस 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम में 450 से अधिक प्रसिद्ध मंदिरों के गणमान्य व्यक्ति, वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि इसको सर्वसुलभ बनना, हर घर घर के अंदर चिंता करना, कहते हैं ना कि मन का मंदिर देवालय और तन का मंदिर शौचालय, स्वच्छता की बात भी करना, घर घर में हो शौचालय का निर्माण तभी होगा। लाडली बिटिया का कन्यादान, हमारी सरकार ने 9 करोड़ शौचालय बनाए, लेकिन आज मंदिरों के अंदर आप जाएं तो कई मंदिरों के बगल अगल में आपको दिखाई पड़ेगा, वो दृश्य अच्छा नहीं। ये स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए आवश्यक है कि हमें अपने मंदिर परिसर के अंदर भी और मंदिर परिसर के बाहर भी हम शौचालय का उपयोग करें, अधिक से अधिक शौचालय जो बने हैं उसका उपयोग करें। मंदिरों को लेकर चर्चा हो रही है, काशी में इतना बड़ा आयोजन 3 दिन का हो रहा है, कल ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है कि एक वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा, ESI को आदेश दिया गया है। क्या लग रहा है राम मंदिर का ESI सर्वे होना और ज्ञानवापी का चीजें कुछ बदलेंगे? मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया है कुछ सोच समझ के दिया है और मुझे विश्वास है कि कोर्ट के निर्णय जनभावनाओं का निश्चित रूप से कदर करेगा और वैज्ञानिक सर्वे होता है तो विज्ञान तो सब में है और वैज्ञानिक सर्वे अयोध्या की भूमि का भी हुआ, वहाँ आपने देखा कि सब कुछ सिद्ध हुआ। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो आस्था के प्रतीक हैं निश्चित रूप से उसका ज्ञानव्यापी मंदिर जो है वो बनेगा, भविष्य में बहुत ही उज्जवल होगा, सब मिलके करेंगे। जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, यहाँ भी वो काम ज्ञानव्यापी जी का। सर मथुरा कितना दूर है? सर मथुरा कब है? सर मणिपुर अभी नहीं, मथुरा, मथुरा बात कीजिए, मथुरा बात कीजिए, मंदिर है सर। मणिपुर की स्थिति जो चल रही है, समय काफी तनावपूर्ण है, कोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है, सरकार किस नजरिए से उसको देख रही, क्या है? तो देखिए, जो मणिपुर के अंदर जो हिंसा भड़की है उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा पर उतारू, कुछ लोगों की समझ भी, आपस में समझ का भी कहीं ना कहीं अंतर है और जब समझ लेंगे एक दूसरे को, एक दूसरों का भला कैसे हो और एक दूसरे संप्रदाय, एक दूसरे जाति के लोगों के प्रति जो कलुषित भावना है उसको दूर करना होगा और हमें तुरंत जो वहाँ की शासन प्रशासन और सरकार ने जो इस घिनौनी दृश्य को बंद करने के लिए उस पर जो कठोर कार्रवाई किया है, गिरफ्तारियां हुई है ऐसे गंदे लोगों का, भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना से जो उनके मन के अंदर जो कहा जाए वो कष्ट है, उस कष्ट को उन्होंने लोगों के सामने व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत सरकार और वहाँ की सरकार मिलकर के हम निश्चित रूप से ऐसे आतताइयों का जो नारी शक्ति का अपमान करे ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जा रहा है और आगे भी किया जा रहा है। सदन ना चलने देना, बहुत हल्ला हो गया, कुछ तो शांत रहो, कुछ तो चीज़ों को समझो, समझने दो, केवल बातों को उठाना और भाग जाना पीछे से ये नहीं चलेगा। हम तो पूरा, मुझे लगता है ये विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष सत्यानाश के कागार पर लोगों को धकेलने का प्रयास कर रही है, गुमराह कर रही है। मुझे लग रहा है कि आपने कहा कि एकजुट है और वो इंडिया, मैं तो कहता हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि दे कि ये भारतीय हो जाएं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से, तो सब समस्या ही दूर हो जाएगा। ये इंडिया, ये वही याद दिला रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके लूटा, पूरे देश को लूटा, ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी, जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी और जो देश को सत्यानाश में ले जाने का केवल मैं कैसे बना रहा हूँ, मेरा कैसे बना रहे, यही भाव। और इसलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है,
लेकिन बिहार के ही नेता तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। भाई देखो ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना उनको रोज आता है, रोज वो सपना देखते हैं, रोज सपना, और जब जब वो सपना देखते हैं तो उनका सपना भी चकनाचूर होता है, वो जीरो पर चले जाते हैं। लेकिन बिहार में ये एक कार्यकर्ता की मौत हुई बीजेपी के, इतना आज एक महिला को निर्वस्त्र, भाई दुर्भाग्य है बिहार में वो निर्वस्त्र करके उस महिला के साथ, इसलिए ये निंदनीय है पूरी तरह से, और ये जहाँ भी ये घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं और उसके लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसमें दो मत नहीं। मुझे लग रहा है इसमें सामाजिक जो मन के अंदर जो भावना है, सामाजिक सद्भावना, आपस में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। नारी हमारे लिए सम्मान का विषय है, नारी हमारी संस्कृति है, नारी हमारी सृष्टि है, ये हैमानियत नहीं चलना चाहिए, ये हैमानियत इसको हमें निश्चित रूप से दूर करना ही होगा। कानून व्यवस्था बाबू है लेकिन इन्होंने ला दिया, ये दुशासन है, अब ये सुशासन नहीं, जब थे उस समय के लिए, अब तो ये दुशासन बन करके और दुष्चरित्र लोगों के गोद में बैठे हुए। तो उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। अरे भाई के बारे में वो कोई मंत्री नहीं, ये पूरी तरह से पलटू राम, इस देश का कोई मंत्री प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, अब आने वाला भविष्य भी उनका वैसा ही होगा। पलटू राम पलटते रहते हैं, अब पलटू राम का अंतिम पलट होगा और वो जा करके अपना संन्यास, अब गठबंधन में बीजेपी नहीं आएगी बिहार में, अगर आते हैं नीतीश बाबू साथ में। क्या बोल रहे हैं? नीतीश बाबू अगर साथ में आते हैं तो गठबंधन अब बीजेपी नहीं करेगी। भाई कभी नहीं, अब उनमें है क्या, वो सोलो श्रृंगार करके बैठ जाएंगे तो उनके पास कोई नहीं जाएगा।